जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, आज हम जो है ट्रेन से संबंधित प्रश्न करेंगे। ट्रेन से संबंधित प्रश्न करने का मतलब यह है कि यदि कोई ट्रेन किसी पॉइंट को पार करती है या किसी प्लेटफार्म को पार करती है या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो इस तरह के प्रश्न में जब दूरी निकालेंगे तो कैसे दूरी निकलेगी, या फिर स्पीड निकालेंगे तो स्पीड कैसे निकलेगी, या फिर टाइम निकालेंगे तो टाइम कैसे निकलेगा, मतलब कुछ इस तरह के प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो ट्रेन की क्लास है लगभग 5 से 6 क्लास में होगी, 5 से 6 क्लास में होगी। तो सारे क्लास देखिएगा, हर क्लास में एक अलग टाइप होगा, एक अलग प्रकार का टाइप होगा और बहुत ही शानदार टाइप होगा। जितने भी प्रश्न लाएंगे सारे प्रीवियस ईयर के होंगे, कहीं ना कहीं पूछे गए रहे होंगे। तो इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो ट्रेन की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कोई ट्रेन, यदि आप देखे होंगे कभी, यदि नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख सकते हैं ट्रेन क्या होता है। ट्रेन में कुछ लंबाई होती है, ट्रेन 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, इतनी लंबी ट्रेन होती है। जब मान लीजिए ये कोई आपकी, मान लीजिए इतनी लंबी ये ट्रेन है आपकी, ये आपकी अगर ट्रेन हो गई, अगर इस पॉइंट को उसे क्रॉस करना है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, पॉइंट का मतलब प्रश्न में आपको खंभा दिया रहेगा या तो रेड लाइट दिया रहेगा या तो कोई व्यक्ति दिया रहेगा, कुछ इस तरह का दिया रहेगा जिसकी लंबाई नगण्य होगी, यानी कि लंबाई बहुत ही न्यून होगी या शून्य होगी। तो मानते हैं बच्चे कि इस पॉइंट को जब ट्रेन को पार करना होगा तो वो कितनी दूरी तय करेगी। तो आप ध्यान देंगे कि जब ट्रेन है यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से जब यहाँ, जब ट्रेन, ये ट्रेन का ये होता है अगला हिस्सा, ये पहुँचेगी यहाँ पे, जब इसका पिछला हिस्सा निकल जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रेन है इस पॉइंट को क्रॉस कर गई। यानी कि वो कितनी दूरी चली, तो बच्चे आप कह सकते हैं यहाँ से इतनी दूरी चली, ये ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी बच्चे वही क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करें। समय आपको दिया रहेगा, आपसे चाल पूछ लेगा, या तो चाल दिया रहेगा आपसे समय पूछ लेगा। जब प्लेटफार्म की बात करें बच्चे, तो मान लेते हैं कि आपका ये प्लेटफार्म है, ये आपका प्लेटफार्म है, जब इस प्लेटफार्म को पार करना होगा तो कैसे पार करेगी। मान लीजिए ट्रेन यहाँ पहुँची, अगला हिस्सा यहाँ पहुँचा, आई ट्रेन आप, फिर अगला हिस्सा आपका यहाँ पहुँचाया, आप भी पिछला हिस्सा यहाँ पहुँचा, लेकिन पार करने का मतलब ये होता है कि ट्रेन जो है बच्चे वो पूरी तरीके से उसे पार कर गई है। पूरी तरीके से पार करने का मतलब ये है कि उसका जो पिछला डिब्बा होता है या पिछला हिस्सा, तो वो भी पार कर गई। आप कह सकते हैं ट्रेन ऐसे आई, निकल गई, ट्रेन ये चली गई, ट्रेन का पिछला हिस्सा ये हो गया, ये प्लेटफार्म का हिस्सा हो गया। तो कितनी दूरी ट्रेन चली, ट्रेन बच्चे यहाँ से आपकी निकली है और यहाँ तक ट्रेन पहुँच गई है, आप देखेंगे इतनी दूरी चली। यानी कि उसके हम अगले डिब्बे से बात करते हैं, यहाँ जहाँ ड्राइवर बैठा होता है वहाँ से बात करते हैं कि कितनी दूरी तय करी। तो आप देख सकते हैं ये आपका प्लेटफार्म की लंबाई है और बच्चे ये आपकी ट्रेन की लंबाई है। तो कह सकते हैं कि जो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस जो होगी ट्रेन की लंबाई होगी, उतनी ही दूरी ट्रेन तय करेगी, तब जाके वो क्या कर पाएगी, वो पार कर पाएगी। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, जब भी आप लंबाई निकाल लेंगे तो बाकी आपको पता ही है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, या आप कह सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, मतलब सारी चीज़ें आपको पता है पहले से, हमने स्पीड, टाइम एंड वर्क में करा रखा है, इसके पहले दौड़ में भी वो सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। बस इसमें आपको ध्यान देना है कि कह क्या रहा है, ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे या दूरी कैसे निकालेंगे, मेन मुद्दा इसमें दूरी का होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि सर दूरी कैसे निकाली जाए, तो दूरी ऐसे ही निकलेगी, कैसे, ऐसे ही निकलेगी जिस प्रकार हमने बताया। तो प्रश्न देखते हैं कि कुछ प्रश्न हैं कैसे हल होंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो आप क्या दिया है बच्चे, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 75 की मीटर और आपकी स्पीड दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी। तो आप देख सकते हैं बच्चे इसमें कैसे करना था, क्या करना था। मान लेते हैं ये टेलीग्राफ का खंभा हो गया, पॉइंट है, मान लीजिए आपका ये खंभा ही मान लेते हैं, ये आपका टेलीग्राफ का खंभा हो गया और ये आपकी हो गई ट्रेन,
ये आपकी हो गई ट्रेन, इसकी लंबाई कहा है कि आपका 75 मीटर। क्या दिया है बच्चे? 75 मीटर। कह रहा है कि इस खंभे को पार करने में बच्चे कितना समय लेगा, तो ध्यान देंगे इसकी लंबाई जो है न्यून है, क्योंकि खंभे की बात कर रहा है तो वो एक पॉइंट ही मान सकते हैं। पॉइंट होगा जब रेलगाड़ी यहाँ से चलेगी, निकलेगी, टच करेगी, यहाँ से निकल जाएगी तो बच्चे इतनी ही दूरी तय करेगी, यानी कि 75 मीटर दूरी तय करेगी तो वो पार हो जाएगी। तो आपका यहाँ से आपका आप अगर दूरी की बात करें या यल कह सकते हैं, इस तो आपका हो जाएगा 75 मीटर। अगर स्पीड चाल की बात करें, वी बराबर कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दूरी आपकी मीटर में है, आपका जो है चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे हम बना लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, या दूरी को बना लेंगे किलोमीटर में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो आपका टाइम जो है सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी टाइम जो है सेकंड में दिया हुआ है। तो अगर हम जब इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे बच्चे, जब भी हम मीटर प्रति सेकंड में बनाते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को, तो 5/18 से गुणा करते हैं। किससे करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। यदि मीटर प्रति सेकंड को जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं बच्चे, तो 18/5 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या कितना करते हैं? 18/5 से। तो आपका हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा? 18 हो जाएगा और हो जाएगा 6/60। क्या हो जाएगा? 6/60 बटे क्या हो जाएगा? 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा बच्चे? 50/3 मीटर प्रति सेकंड। कह सकते हैं कि इसकी जो चाल है बच्चे वो हो जाएगी आपकी 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल जो आपकी स्पीड है इसमें कितना दिया है आपका? 50/3 मीटर प्रति सेकंड दिया है। दूरी आपकी है 75 मीटर। समय आपका, आपसे क्या समय को टी मान लेते हैं, तो समय आपसे पूछा है, तो टी बराबर हो जाएगा आपका 75 × 3/50 हो जाएगा 50। तो 25 × 50, 25 × 3 = 75, यानी कि आप कह सकते हैं 9/2 कह सकते हैं बच्चे 4.5 सेकंड। क्या हो जाएगा? 4.5 सेकंड। या आप कह सकते हैं कि 4.5 सेकंड में, 4.5 सेकंड में ट्रेन जो है उस टेलीग्राफ के खंभे को आसानी से पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्रश्न आपको करना रहता है, बस आपको बस ध्यान देना है कि ट्रेन कितनी दूरी चलेगी। दूरी आप निकाल लेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो अगला प्रश्न जो है बच्चे इसी टाइप का है, सेम ऐसे ही है, इसी पैटर्न पर है। आप लोग कोशिश करिए, देखिए आपसे वो आसानी से हल होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस गाड़ी की लंबाई कितनी है? आपको चाल दिया है, समय दिया है बच्चे, आपको लंबाई निकालना है। तो मान लेते हैं ये आपका हो गया रेलगाड़ी, क्या गाड़ी? रेलगाड़ी हो गई आपकी, जहाँ पे आपका ये खंभा है, इस खंभे को पार करने में कह रहा है 25 सेकंड का समय लेता है। तो रेलगाड़ी की अगर हम लंबाई मान लेते हैं, यल मान लेते हैं, तो आपको क्या क्या दिया है? टी बराबर बच्चे यहाँ दिया है आपका 25 सेकंड, उसके बाद आपका वी स्पीड दिया है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया बच्चे? 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया है। आप देख सकते हैं टाइम सेकंड में है और चाल जो है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम लोग डायमेंशन को सेम करेंगे, जब भी कोई भी सवाल हल करेंगे तो डायमेंशन को सेम करेंगे। तो क्या करेंगे? या तो इसे घंटे में बदल लेंगे या तो इसे हम लोग सेकेंड में बदल लेंगे। तो इसे बदलना ज़्यादा आसान होगा, इसलिए हम बदल ले रहे हैं मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकंड में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 × 5/18 होगा, क्योंकि जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 हो जाएगा, 18 × 36 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा बच्चे? 10 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? उसके बाद की बात हो क्या हो जाएगा? अब आपसे पूछा है लंबाई, तो ये लंबाई कह सकते हैं या दूरी, तो आप जानते हैं चाल v बराबर होता है आपका दूरी बटे आपका हो जाएगा समय। तो v आपका दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, यल आपसे पूछा है, t दिया है आपका 25, तो यल बराबर 25 × 250, यानी कि 250 मीटर। ये हो जाएगा मीटर में, क्योंकि सारी डायमेंशन यहाँ मीटर प्रति सेकेंड में है। तो जो ट्रेन गाड़ी की जो लंबाई हो जाएगी बच्चे वो आपकी हो जाएगी 250 मीटर।
ट्रेनगाने की लंबाई हो जाए। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न लगेंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि चीज़ें जो है आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं आ रही हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी ऐसे ही है, थोड़ा सा उसमें प्लेटफॉर्म ऐड कर दिया है। तो देखते हैं क्या आप समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं। आप लोग कोशिश करिए, जब प्लेटफॉर्म ऐड कर देता है तो दूरी कैसे निकालते हैं, अभी हमने पहले ही बताया था, शुरुआत में ही बताया था, तो उसी तरीके से निकालिए, आसानी से हल होगा। देखिए प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है, बच्चे कह रहा है कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई वो दे रखा है, कह रहा है कि 600 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है ट्रेन, रेलगाड़ी चल रही है। यदि वह प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। तो बच्चे हमें पहले ही बताया था कि दूरी कैसे निकालेंगे, तो आसानी से करेंगे। आपकी मान लीजिए ये ट्रेन है, ये बबुआ ट्रेन हो गई आपकी, इसकी लंबाई ये दे रखा है, इसकी लंबाई ये दिया है 600 मीटर। क्या दिया बच्चे, 600 मीटर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्लेटफार्म है, मानते हैं ये प्लेटफार्म आपका है, कुछ इस तरह का प्लेटफार्म ऐसे ही होता है। तो इस प्लेटफार्म को पार करना है, उसे कह रहा है कि आपको 40 सेकंड में पार करते हैं। तो इस प्लेटफार्म की लंबाई को हमें निकालना है, हमें नहीं पता, इस लंबाई को हम मान लेते हैं यल। क्या मान लेते हैं बच्चे, यल मान लेते हैं। कह रहा कि 40 सेकंड में पार करता है तो प्लेटफार्म की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब ट्रेन गाड़ी, रेलगाड़ी आपकी ये 600 मीटर लंबी है, इसको पूरा पार करेगी तो 600 ये खुद का पार करेगी और यल खुद का पार करेगी। मतलब कह सकते हैं कि इसका जब पिछला हिस्सा यहाँ पहुँचेगा, मतलब कुछ ट्रेन गाड़ी कुछ इस तरह पहुँचेगी, तो ये 600 मीटर पार कर चुकी होगी। क्या होगा, इस 600 मीटर को ये पार कर चुकी होगी, प्लस कितना दूरी और तय करेगी, प्लस जो प्लेटफार्म की लंबाई है उसको भी तय करेगी। यानी कि अगर दूरी की बात करें तो दूरी आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, दूरी आपकी 600 हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, 600 प्लस यल। अब आसानी से निकल सकता है। टाइम आपको दिया है, टाइम टी बराबर दिया है बच्चे 40 सेकंड। क्या दिया है, 40 सेकंड दिया है। और आपका क्या दिया है, चाल दिया है। तो आपका जो स्पीड दिया है वी, तो वी जो आपका स्पीड दिया है, आपका दिया 81 किलोमीटर, 81 दिया ना, 81 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। जब इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि हमें मीटर में आंसर चाहिए, तो 81 गुणे करेंगे 5/18, तो आप कर सकते हैं 9 × 2 = 18, 9 × 9 = 81, 45/2 मीटर प्रति सेकंड जो हो जाएगा स्पीड आ जाएगी। तो हम जानते हैं बच्चे स्पीड वी बराबर डिस्टेंस अपान समय होता है। तो स्पीड आपका है आपका 45/2, डिस्टेंस आपकी है 600 प्लस यल हो जाएगी, बटे आपका टी जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। आंसर हल कर लेंगे, आंसर आपके सामने होगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 20 = 40 हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 900 बराबर हो जाएगा 600 प्लस एल, तो यल बराबर ये जाएगा इधर कम होगा, तो यल बराबर बच्चे हो जाएगा 300 मीटर। क्या हो जाएगा, 300 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि प्लेटफार्म की लंबाई 300 मीटर है और जो आपका ट्रेन की लंबाई है बच्चे वो कितनी है, 600 मीटर। कुल दूरी की बात करें तो कुल 900 मीटर ट्रेन तय करी 40 सेकंड में 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आप प्लेटफार्म दिया रहेगा तो इस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न, जो अगला प्रश्न है बच्चे, सेम इसी तरीके से है, इसी पैटर्न पर है, आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए क्या है उसमें, अगला प्रश्न जो है बच्चे क्या है आपका, 4 क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखिए क्या कह रहा है, सेम इसी तरीके से है। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, यानी कि ट्रेन की स्पीड आपको दिया है। फिर कह रहा है कि वह 1 मिनट में प्लेटफार्म को पार कर लेती, 1 मिनट बोले या 60 सेकेंड बोले प्लेटफार्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई जो है बच्चे
बराबर है तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं। आप ट्रेन की लंबाई का पता लगाइए तो बहुत ही आसान सिंपल सा है, सेम उसी तरीके का पैटर्न है। तो मान लेते हैं आपका रेलगाड़ी हो गई, ये आपकी ट्रेन हो गई, उसके बाद ये आपका कुछ हो गया प्लेटफार्म, इसे मान लेते हैं आप प्लेटफार्म मान लेते हैं। कह रहा है कि इन दोनों की लंबाई जो है बच्चे बराबर है, यदि हम इसे यल मान ले, ट्रेन यल मानेंगे तो बच्चे ये भी यल होगा, ये भी यल होगा। कैसे यल होगा? क्योंकि कह रहा है उसमें प्रश्न में कि इसकी जो लंबाई है बच्चे, इसकी लंबाई जो है दोनों की लंबाई सेम है, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अगर बात करें, इस प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस तय करेगी? यल ये तय करेगी, और खुद की लंबाई के बराबर यानी कि यल प्लस हो जाएगी बच्चे यल, यानी कि टू यल, टू यल हो जाएगा दूरी। उसके बाद आपका स्पीड चाल दिया है, कितना दिया है आपका v बराबर बात करें तो 90 km/h। अगर इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 90 × 5/18, 18 × 5 = 90, 25 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगी इसकी, हो जाएगी आपकी स्पीड। उसके बाद क्या दिया? टाइम दिया है 1 मिनट। क्या दिया है बच्चे? टाइम दिया है आपका 1 मिनट। t बराबर दिया है आपका 60 सेकंड। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से आप निकाल सकते हैं दूरी को निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बराबर होता है बच्चे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप चाल जानते हैं क्या दिया है, 25 दिया है, दूरी आपकी कुल कितना है 2L है, समय आपका कितना है बच्चे 60 सेकंड है, कितना है 60 सेकंड। तो 2L बराबर 25 × 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 750। यल बराबर क्या हो जाएगा? 750 मीटर। क्या हो जाएगा बच्चे? जो आपकी ट्रेन की लंबाई है वो है कितनी है 750 मीटर, और प्लेटफार्म की लंबाई पूछता तो भी हो जाता 750 मीटर। यदि कुल दूरी पूछता कितना तय करें तो आपका हो जाता 1500 मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बच्चे वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है ट्रेन का, ट्रेन से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ऐसे ही आएंगे, बहुत ही आसान आएंगे। बस आपको दूरी निकालना आ जाए, ये तय करना आ जाए कि ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, यदि प्लेटफार्म दिया रहेगा, यदि पॉइंट दिया रहेगा, या कोई व्यक्ति दिया रहेगा, या खंभा दिया रहेगा, तो मतलब इस तरह के जब प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा डिफरेंट हो, लेकिन है इसी पैटर्न पर ही, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आसानी से हल होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 2 मिनट में गुजर जाती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही बस इसमें ट्रेन लंबी सुरंग दे दिया है, आप चाहे प्लेटफार्म दे चाहे सुरंग दे, दोनों की लंबाई है, प्लेटफार्म भी लंबा होता है सुरंग भी लंबी होती है। इन्होंने सुरंग की लंबाई दे रखा है, कह रहा है कि आपका कितना है 1.5 किलोमीटर, और ट्रेन की लंबाई आपको निकालना है। तो मान लेते हैं बच्चे ये आपकी हो गई ट्रेन, ये हो गई ट्रेन, और ये आपकी हो गई बच्चे सुरंग हो गई। क्या हो गई? ये हो गई सुरंग। इसी के अंदर से इस ट्रेन को जाना है। कह रहा है कि सुरंग की लंबाई आपकी 1.5 किलोमीटर है, यानी कि इसकी लंबाई की बात करें तो आपका क्या है 1.5 किलोमीटर कर सकते हैं, या कर सकते हैं आप 1500 मीटर। क्या कर सकते हैं? 1500 मीटर। इसकी लंबाई आपकी हो गई 1500 मीटर। बच्चे अब देखिए ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता है, तो इसे मान लेते हैं आप यल। क्या मान लेते हैं? इसे यल मान लेते। कह रहा है कि सुरंग को पार करने में उसे 2 मिनट लगते हैं, और स्पीड आपका दिया है, तो ट्रेन की लंबाई बच्चे अब ध्यान दीजिए, ये ट्रेन आएगी घुसेगी इसके अंदर, यहाँ निकलेगी। मान लीजिए ये ट्रेन निकल गई, ये निकल गई, जब ये निकल जाएगी तो इतना दूरी तो ये तय करेगी, और ये खुद के बराबर दूरी तय करेगी। जब भी हम दूरी निकालते हैं तो ट्रेन के अगले हिस्से से निकालते हैं, ना कि पिछले हिस्से से, अगले हिस्से तक निकालेंगे तो कुल 1500 ये चलेगी, प्लस ये जो ट्रेन की लंबाई यल हो जाएगी ये चलेगी। तो कुल डिस्टेंस की बात करेंगे तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यल चलेगी अपने बराबर, प्लस चलेगी 1500। कितना चलेगी? 1500। और v आपका कितना दिया है बच्चे? v दिया है आपका 60 दिया है, शायद 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या आप इसे जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा 6 × 18 हो जाएगा, 6 × 60 हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा बच्चे? 50/3 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आपका समय दिया है कितने टाइम में पार कर रहे बच्चे, तो t बराबर दिया है आपका 2 मिनट,
या फिर कह सकते हैं आप इसे 120 सेकंड। क्या कह सकते हैं बच्चे? 120 सेकंड। अब आपसे क्या पूछा है, लंबाई पूछा है ट्रेन की, तो हम जानते हैं कि चाल v बराबर डिस्टेंस d बराबर होता है समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आंसर को रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, 50/3 दिया है, डिस्टेंस आपका कितना है L प्लस 1500 है, T आपका दिया है 120। क्या दिया है? 120 दिया। देखो कुछ वैल्यू कट जाएंगे, इसे 3 से कटा, ये 40 हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4×5=20, यानी कि 2000 हो जाएगा, बराबर L प्लस हो जाएगा 1500। L का मान निकालेंगे, ये इधर जाएगा, कम हो जाएगा 500 मीटर। क्या हो जाएगा बच्चे? 500 मीटर। आप कह सकते हैं कि ट्रेन की जो लंबाई होगी बच्चे वो कितना होगी? 500 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा बच्चे वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार हमें कमेंट में ज़रूर आप बता देंगे कि आपको समझ में आ गया है कि नहीं आया है। यदि नहीं आया है तो आप बताएंगे तो हम अगली क्लास में और अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है बच्चे? थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा आपको माइंड को लगाना है, दिमाग लगाना है, बस उसके बाद बहुत आसानी से हल होगा। देखिए क्या है, कह रहा है कि एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हो बच्चे कि वो स्पीड नहीं दिया है, गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर की लंबाई वाले एक प्लेटफार्म और एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? क्या है ट्रेन की लंबाई? आपसे ट्रेन की लंबाई पूछा है, उसने एक प्लेटफार्म की लंबाई दिया है, और जो है बच्चे आपका एक दिया है आपका उसके एक प्लेटफार्म की लंबाई दिया है और एक पुल की लंबाई दिया है। आपसे क्या पूछा है? आपसे ट्रेन की लंबाई पूछा है। मान लेते हैं बच्चे ये ट्रेन है, बच्चे ये ट्रेन है और आपका एक ये पुल हो गया, ये आपका एक पुल हो गया, उसके बाद और एक पुल हो गया, और एक चीज़ कह रहा है कि एक प्लेटफार्म भी, मान लीजिए प्लेटफार्म भी हो गया आपका, ये आपका हो गया प्लेटफार्म, उसके बाद कह रहा है कि 120 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, इसकी लंबाई आपकी 120 मीटर है, और पुल की लंबाई जो है बच्चे आपकी 280 मीटर है, 280 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि क्रमशः जो है वो प्लेटफार्म को 8 सेकंड में, यानी इसे पार कर रहा है 8 सेकंड में, इसे पार कर रहा है बच्चे आपका कितना? 12 सेकंड में। क्या प्राप्त कर रहा है? 12 सेकंड में। तो आपका सबसे पहले क्या है, आपका स्पीड नहीं पता है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बच्चे? यहाँ से निकालेंगे स्पीड। क्या निकालेंगे? स्पीड निकालेंगे। जब स्पीड निकल जाएगी तो आपका क्या निकल जाएगा? आप टाइम आराम से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टाइम आराम से निकल, वो ट्रेन की लंबाई आराम से निकल जाएगी। इसकी लंबाई को हम लोग यल मान लेते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आए, जब भी आपको दो चीज़ें दी रहे हों और आपको ट्रेन की लंबाई निकल, क्या करेंगे आप? ध्यान दीजिए, यानी कि 120 मीटर अगर दूरी तय कर रही है तो उसे 8 सेकंड का समय लग रहा है, वहीं जब 280 मीटर की दूरी तय कर रही है तो उसे जो है कितना समय लग रहा है बच्चे? उसे लग रहा है 12 सेकंड का समय। तो यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, यानी कि 120 8 सेकंड में तय कर रही है, जो शेष दूरी बचेगी बच्चे वो कितने? 4 में करेगी। कैसे? क्योंकि 120 में उसे 8 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 280 में 12 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो जो ज़्यादा दूरी है, अगर हम दूरी की बात करें, डेल्टा, डेल्टा अगर, डेल्टा यल का मतलब है अंतर कह सकते हैं, अंतर कितना है? तो आपका हो जाएगा 280 माइनस 120। क्या हो जाएगा? 280 माइनस 120 कह सकते हैं आप, हो जाएगा 160 मीटर। बच्चे ध्यान दीजिएगा, 120 मीटर 8 सेकेंड में तय कर रही है, तो जो 160 मीटर बचेगा बच्चे, कितना? जो 160 मीटर बचेगा वो कितने समय में तय करेगी? तो आप कह सकते हैं कि 160 जो बचेगा उसे करेगी 4 सेकेंड में। कितना करेगी? 4 सेकेंड में। तो यहाँ डेल्टा टी की बात करें, डेल्टा टी की बात करें, तो आपका हो जाएगा 12 माइनस क्या हो जाएगा? 8, यानी कि क्या हो जाएगा? 4 सेकंड। क्या हो जाएगा? 4 सेकंड। आप कह सकते हैं कि 120 मीटर वो 8 सेकंड में तय कर रहे हैं, जबकि 280 कर रही है 12 में, तो जो दोनों का जो बढ़ी हुई दूरी है बच्चे वो शेष टाइम में करेगी। कितने करेगी? आपका शेष टाइम में करेगी। तो डेल्टा टी आपका क्या आ गया? 4 सेकंड। तो यहाँ से अगर हम स्पीड की बात करेंगे, तो आप स्पीड अगर ट्रेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका?
चाल दूरी आपका हो जाएगा समय, क्या हो जाएगा यानी कि 40 मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा बच्चे 40 मीटर प्रति सेकंड। जो ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे, हमेशा ध्यान देंगे जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो कुछ नहीं करना है, भैया आपको 8 सेकंड में 120 कर रहा है, 12 सेकंड में 280 कर रहा है, तो जो बच्चे अगर हम अंतर निकालेंगे तो इसके बीच का अंतर आपका आ रहा है 160 ही तो आएगा, हाँ 08 पे 160 आ गया, यानी कि 160 मीटर की दूरी जो बच्चे 12 सेकंड के बाद का जो टाइम होगा वही तो बचेगा, यानी कि 4 सेकंड बच रहा है एक्स्ट्रा में, तो 4 सेकंड में ही तो तय करेगा भाई 160 मीटर की दूरी। तो आपका ट्रेन का स्पीड आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड, क्या आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या निकालना है आपके ट्रेन की लंबाई, क्या निकालना है ट्रेन की लंबाई। अब इसमें से एक भी ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए, आसानी से हल हो जाएगा, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको, मानते हैं हम इसको ले लेते हैं। तो आपका ट्रेन की स्पीड आ गया 40, तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, क्या होता है बच्चे दूरी बटे समय। तो आप चाहे इसको ले लेंगे चाहे इसको ले लेंगे आंसर आपका आ जाएगा। तो कैसे आएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसकी चाल जो निकल के बच्चे वो निकल के 40, दूरी कैसे निकलेगी बबुआ, तो ट्रेन यल है और ये 280 मीटर है और 12 सेकंड में पार कर रहा है, तो इस 280 प्लस यल जो है ट्रेन खुद की लंबाई और इसकी लंबाई के बराबर ही तो दूरी तय करेगी भाई, हमने पहले ही बताया था। तो आप कर सकते हैं 280 प्लस यल क्या हो जाएगा, 280 प्लस एल बराबर हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, 12 चौक 48 480 बराबर 280 प्लस एल, तो यहाँ से यल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 200 मीटर, क्या हो जाएगा बच्चे 200 मीटर। ऑप्शन नंबर जो आपका हो रहा है बच्चे वो आपका बी एकदम करेक्ट हो रहा है, यानी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर इससे निकालेंगे तब भी आसानी से वो आंसर सेम आएगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई नहीं बदलेगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको क्या करना है, अंतर निकाल लेने, भाई आप देख सकते हैं भाई 120 मीटर को आप 8 सेकंड में दूरी तय करवा रहे हैं, तो 280 को 12 करवा रहे हैं, तो जो बीच की जो दूरी है तो उसे आप कितने में करेगी भाई, आप 4 में ही तो करेगी, 160 मीटर एक्स्ट्रा है उसका तो 4 सेकंड में करेगी, तो यहां से स्पीड निकल जाएगी, स्पीड निकाल लेंगे इसके बाद आप निकाल आप उसके बाद आसानी से प्रोसेस करके निकाल सकते हैं 200 मीटर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिएगा और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।